नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत चार लोगों को शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। MP MLA कोर्ट ने साल 2009 के मामले में फैसला सुनाया है। इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विधायक पटवारी के वकील अजय गुप्ता ने कहा, इस फैसले से जीतू पटवारी की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम अपर कोर्ट में भी अपील करेंगे। कांग्रेस ने राजगढ़ में 2009 में किसानों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इसका नेतृत्व पूर्व CM दिग्विजय सिंह कर रहे थे। कांग्रेस नेता कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने जा रहे थे, इसी दौरान किसी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना बदले में बदल गई, दिग्विजय सिंह को भी चोट आई थी। फैसले के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूँ, CM ने किसानों की दोगुनी आय का वादा किया था, वो आज तक नहीं हुई। जब तक गेहूं का दाम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल नहीं होता, लड़ाई जारी रहेगी। ये मामला भी किसानों की लड़ाई का है। जो भी सजा देना चाहे दे दो, जेल भेजना चाहे भेज दो, फांसी पर लटका दो, लेकिन किसानों के हक की लड़ाई चलती रहेगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।